आज दो बड़ी न्यूज लेकर आया हूँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहली न्यूज आ रही है दोस्तों थारा भाई जोगिंदर के ऊपर। ये कोई इतनी खास न्यूज नहीं है, लेकिन दोनों ने सिमिलर काम किया है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दोनों किसने? लक्ष्य चौधरी और शिवम सिंह राजपूत ने। आपको पता होगा कि थारा भाई जोगिंदर को आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा रोस्ट किया जा रहा है। लक्ष्य चौधरी एक वीक पहले ही दो वीडियो यहाँ पर रोस्ट वीडियो निकाल चुके हैं थारा भाई जोगिंदर के ऊपर, और थारा भाई जोगिंदर का रिस्पॉन्स भी आ चुका है। और रिस्पॉन्स जो भी वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, जो भी रोस्ट करता है, जो भी रोस्टर इसको रोस्ट करता है, उसको सिमिलर ही रिप्लाई जाता है, ओ चून तूने परमिशन ली, बवंडर आएगा बवंडर, या फिर कहते हैं वीडियो के शुरू में ही, या फिर आप कह सकते हैं ऐसी एक्टिंग करता है। तो मैं आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा कम मजा आ रहा होगा। लेकिन जब आप इनकी पैरोडी देखोगे ना दोस्तों, आई होप आपको मजा ही आएगा। तो मैं आपको दोनों की पैरोडी दिखाना चाहूंगा। तो पहले आप देख लीजिए शिवम सिंह राजपूत की पैरोडी। भवंडर आएगा, आग लग जाएगी, तूफान आएगा, भवंडर आएगा। तू मुझे रोस्ट कर रहा है, तू मुझे रोस्ट, रुक जा दिखाता हूँ। तू मुझे रोस्ट कर रहा है, तू रोस्ट कर रहा है, तू, तेरी क्या औकात क्या है? अबे जा रहा है गंदी शकल के, बंदर की शकल के, भालू की शकल के, हाँ तू रोस्ट करेगा मुझे, तू रोस्ट करेगा, करेगा तू रोस्ट, तू रोस्ट करेगा, तू खसी यूट्यूबर छपड़ी, तू रोस्ट करेगा, परमिशन ली तूने? एसी चालू कर ले, फट जाएगी। नहीं करूंगा, गांड जाए पर एसी ना जाए। क्या बोलूं अब, सब खत्म हो गया, 20 मिनट हो गई। ओ चून, ओ खसी, ओ बंदर सी सकल के गवार, ओ छपड़ी यूट्यूबर, क्या बोल, हाँ भवंडर लाऊंगा, तूफान भवंडर, आग लगा दूंगा, ओ छपरी, ओ चून, ओ ओ। आपको कितनी बेटर लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता। अब दोस्तों शिवम सिंह राजपूत के ऊपर थारा भाई जोगिंदर रिप्लाई वीडियो या फिर रेस्पॉन्स वीडियो बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, इसका तो दोस्तों मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने परमिशन भी मांगी है 4 दिन पहले शिवम सिंह राजपूत ने, और इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया, दोस्तों देखो सर मैंने तो परमिशन ली थी 4 दिन पहले, आपने रिप्लाई नहीं दिया। और आप क्या लिखा हुआ है डीएम के अंदर आप देख सकते हैं, सर 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 सुनो ना सर, प्लीज मैं आपको रोस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर इनका रिप्लाई नहीं आया, तो रिप्लाई नहीं आया तो उन्होंने रोस्ट कर दिया। तो बहुत सकता है उनको एक पॉइंट ऐसा मिल जाए कि मैंने तो तेरे को दिया नहीं था जवाब, तो भी तू रोस्ट कर दिया। मैं आपको लक्ष्य चौधरी की भी दिखा देता हूं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आमिर सिद्दीकी और अंकिता खरे के बारे में, और लव जियाद के बारे में, उन मैटर के बारे में उन्होंने बात किया, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो उससे पहले है आप लक्ष्य चौधरी की पैरोडी देख लीजिए जो कि बनाई है थारा भाई जोगिंदर के ऊपर। भाई 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 देखो आपके ऊपर यूट्यूब में किसी ने रोस्ट बना दिया, छपरी यूट्यूबर आ गया, अरे ओ चून, छपरी यूट्यूबर, तेरी हिम्मत कैसे हुई थारा भाई जोगिंदर पे वीडियो बनाने की? परमिशन ली तन्ने? भाई तू क्या है आलूसी सकल के, तन्ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब यूट्यूब पे बवंडर आएगा बवंडर। भाई ये देखो दूसरे यूट्यूबर ने भी रोस्ट बना दिया, कान खोल के सुन लो सारे छपरी यूट्यूबर्स, बहुत रोस्ट बना दिया तुमने थारा भाई जोगिंदर पे, अब एक भी रोस्ट वीडियो ना बन जा, नहीं तो सैलाब आएगा सैलाब। भाई ये तीसरे बंदे ने भी रोस्ट मार दिया यार, इसे भी ना कैन फाड़ रिप्लाई दे दो अभी ले, ये छपरी यूट्यूबर्स नहीं मानेंगे, तुम्हारी औकात क्या है मेरे पे रोस्ट बनाने की, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, अब थारा भाई जोगिंदर बवंडर लाएगा बवंडर। अरे मेरा लोड आएगा भाई, गाड़ी का मालिक आ गया गाड़ी लेने, तेरे पास तीन ही बात है क्या यार, चलिए अब आप ये बता सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आमिर सिद्दीकी के बारे में। आमिर सिद्दीकी और अंकिता खरे को लोग डीएम में आकर कहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, बोलते हैं कि तुम लव जिहाद का शिकार हो चुके हो। उसके ऊपर क्या कहा है उन्होंने जो कि मैं आपको सुनाऊंगा, और ये इनके बारे में क्यों कह रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि अंकिता खरे और ये आमिर सिद्दीकी है, वो दोनों ही फोटो पोस्ट करते हैं, दोनों रील वीडियो बनाते हैं, और बेसिकली लाइव आकर उन्होंने यही बताया है कि भाई हम काम को काम की तरह रखते हैं, काम को साइड के अंदर रखते हैं और रिलीजन को रिलीजन की जगह रखते हैं, और मैं किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ। और आज के टाइम में आपको पता होगा आज से एक वीक पहले ही यहाँ पर लव जिहाद वाला टॉपिक है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, हर कोई इस पर वीडियो बना रहा था। ध्रुव राठी ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, प्यू रिसर्च सेंटर की उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, अलविश यादव ने इसको एक्सपोज भी किया था कि भाई तो 30,000 के अंदर, मतलब 30,000 लोगों ने ऐसा वोट डाला है, या फिर 30,000 लोग ऐसे कहते हैं
तो मतलब यहाँ पर इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों में है, तो तू ऐसे कैसे डिसाइड कर सकता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बाय द वे हम बात कर लेते हैं आमिर सिद्दीकी की और अंकिता खरिया के बारे में। वो लाइव आकर बात की है तो उनके वीडियो की इंपॉर्टेंट क्लिप है, वो आप देख लीजिए। इग्नोर करते बट फिर क्या होता है मालूम, एक लिमिट आती है कि तुम इग्नोर करते जाते हो और उसके बाद है ना चीजें फिर है ना तुमको एक्चुअल में ट्रबल करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करूंगा अंकिता खरे से रिलेटेड, हम लोग क्या है, कौन है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या क्या है, हम लोग ने कभी किसी को बताया नहीं, हम लोग ने किसी को रिवील नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बट फिर वी मेक वीडियोज टुगेदर, हम लोग साथ में वीडियो शूट करते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, हम लोग घूमते फिरते साथ में। तो लोगों की मेंटालिटी के बारे में मैं बताता हूँ, उसको मैसेजेस भेजेंगे कि तुम लव जिहाद की शिकार होने वाली हो, फिर तुमको बक्से में मिलोगी बाद में, मतलब मार के तुमको एक बैग में फेंकेंगे ये लोग, ऐसा वैसा उल्टा सीधा। यार इट्स हर पर्सनल चॉइस, शी इज गोना फॉलो हर रिलीजन, इट्स माई चॉइस, आई एम गोना फॉलो माई रिलीजन। हम लोग ने आज तक कभी अपने रिलीजन को अपने चीजों में और काम में बीच में आने नहीं दिया, ना मैं किसी को फोर्स कर सकता हूँ रिलीजन चेंज करने के लिए, ना कोई मेरे को फोर्स कर सकता है रिलीजन चेंज करने के लिए। तो बहन उनको हिंदू लड़की पटाने के लिए पैसे मिले रहेंगे, अरे भाई अगर पैसे मिले रहते मेरे को तो अभी तक मैं करोड़पति होता, और अगर मेरे को पैसे मिलेंगे ना तो मैं उसके साथ आधा शेयर कर लूंगा, तो तुम लोग टेंशन नहीं लेने का। किसी की ना मेंटल चीजों पे इफेक्ट करता है, मेरे को तो नहीं करता है क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट जो सामने वाला इंसान है जिसको आप ये उल्टा सीधा बोल रहे हो उनको फर्क पड़ता है। किसी को जज कर रहे हो बाय देयर लुक, बाय देयर रिलीजन, दिस इज सो रॉन्ग। मैंने भी पिक्चर अपलोड किया है तो, और अब वो पिक्चर पे भी इसको जाके लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। शी इज जस्ट ट्राइंग टू आई होप आपको पता चल गया होगा कि आमिर सिद्दीकी ने यहाँ पर क्या कहा है लियाओ जियाद के बारे में। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।